वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 2024 तक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, क्योंकि तो डेली आपको क्लास मिलती है करंट की। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको साप्ताहिक जो करंट हमने पढ़ दिया उसको अपने इस क्लास के अंदर पूरा कवर अपने करेंगे। तो बड़ा आपके लिए गजब की क्लास रहती है संडे के दिन, क्योंकि पीछे का करंट आपको साथ साथ में रिवाइज हमको करना पड़ेगा। तो ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार, आरएएस, रेलवे, बैंक 2024 के अंदर कोई भी एग्जाम मान लो, या आने वाली 2025 के अंदर कोई भी एग्जाम, तो सभी के लिए वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण है, साबित होगी। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 को कहां पर हुआ? आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करेंगे, क्योंकि संडे है, सिर्फ अपना एक प्रकार का ये टेस्ट रहेगा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 को कहां पर हुआ? पुणे के अंदर। कहां पर हुआ ये? पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। कौन सा है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अस्ट्रा हिंद अभ्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 नवंबर को अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान किस भारतीय नौसेना पोत का दौरा किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने 7 नवंबर 2024 को पहली समुद्री यात्रा की। उसके दौरान उन्होंने जो जितने भी वायु नौसेना के हवाई जो युद्ध पोत है उनका अनावरण किया था। तो उन्होंने सबसे पहले नौसेना का पोत का दौरा किया, तो वो था आईएनएस विक्रांत। कौन सा था? आईएनएस विक्रांत। 8 नवंबर 2024 को बेंगलुरु में पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ कहाँ किया गया? 8 नवंबर 2024 को बेंगलुरु में अपने पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो वो है आईएसईसी संस्थान द्वारा। इसके द्वारा आईएसईसी एक संस्थान है, वहां पर बेंगलुरु में अपने डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ किया गया। डिजिटल जनसंख्या मतलब ये क्या है? जनसंख्या वगैरह बताती रहेगी भी, कितनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, कितनी जनसंख्या कम हो रही है। तो ये डिजिटल जनसंख्या का कहां पर लगाएगी? बेंगलुरु में। भारतवंशी संगीत का रिकी केज और अनुष्का शंकर को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो भारतवंशी संगीतकार है रिकी केज और अनुष्का शंकर, इनको किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया? इनको मिलेगा ग्रेमी अवार्ड के लिए, ऑप्शन नंबर बी। किसके लिए? ग्रेमी अवार्ड के लिए। 8 नवंबर 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये लीजिए, एक नई नियुक्ति हुई है आपके लिए। तो फिक्की के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी। कौन बनने जा रहे हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल। 8 नवंबर 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका पूरा नाम ये है, ध्यान रखना, फिक्की का। तो इसके अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी आर गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष कब नामित किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस बी आर गवई, इनको अब राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा जिसको बोलते हैं, उनका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया सन 2024 के अंदर। अब 51वीं मुख्य न्यायाधीश बन गए अपने संजीव खन्ना। कौन है वर्तमान में? संजीव खन्ना। भारत की प्रख्यात बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने 7 नवंबर को कहां पर पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है? तो भारत की प्रख्यात है बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, उन्होंने 7 नवंबर को पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला रखी विशाखापट्टनम के अंदर। कहां पर रखी है? विशाखापट्टनम के अंदर आधारशिला रखी है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार 2024 की तीसरी तिमाही में भारत का स्मार्टफोन बाजार कौन से आधार पर विश्व में दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है? तो काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार देखें तो 2024 की तीसरी तिमाही के अंदर भारत का जो स्मार्टफोन है वो विश्व के अंदर बाजार के हिसाब से देखें विश्व में इकाई मात्रा के अंदर दूसरा स्थान, और मूल्य के हिसाब से देखें तो तीसरा सबसे बड़ा बाजार है
बन गया। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। अगर इकाई मात्रा के हिसाब से देखें तो इसके अंदर भारत विश्व में दूसरा स्थान है, और मूल्य के हिसाब से देखें तो तीसरा स्थान। उत्तर हो जाएगा एक नंबर इसका। स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से किस विवादास्पद कानून को लागू करने का निर्णय लिया है? स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से किस विवादास्पद कानून को लागू करने का निर्णय लिया? वो है बुर्का बैन। बुर्का बैन मैंने बता दिया, जैसे मुस्लिम जो महिलाएं वगैरह होती है आपको पता है, वो जो है मुंह पर जो है उनको कपड़े से ढककर रखना चाहे, तो वो क्या है अब कानून लागू कर दिया स्विट्जरलैंड के अंदर, बुर्का बैन इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी ने 2024 WTA का फाइनल्स खिताब जीता है? तो कौन सी खिलाड़ी है जिसने 2024 का WTA फाइनल्स का खिताब जीता? वो है अमेरिका की कोको गोफ। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की कोको गोफ। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किस शहर में किया? तो अपनी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जो बजट पेश करती है, तो उनके द्वारा राष्ट्रीय MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और उद्यम मध्यम जो उद्योग हैं, तो क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया, ये किया है बेंगलुरु के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया है? बेंगलुरु में। आज सिर्फ अपने रिविजन करते जाएंगे, तो साथ साथ में सभी साथी वीडियो को भी लाइक शेयर करेंगे। आप लाइक करना आप भूल जाते हो, तो लाइक किया करो वीडियो को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो नारी शक्ति है उन शाखाओं का उद्घाटन किया है, एक बेंगलुरु में, चेन्नई, विशाखापट्टनम और जयपुर, इन चार शहरों के अंदर नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन है किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कब शपथ ली है? अब आपको पता है ये इनका 6 महीने का कार्यकाल रहेगा, 6 महीने का कार्यकाल रहेगा, मई 2025 तक ये रहेंगे, ठीक है? तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है 11 नवंबर 2024 को। कब ली थी? 11 नवंबर 2024। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां शिगेरू इशिबा को फिर से प्रधानमंत्री चुना गया? कौन सा देश है जहां शिगेरू इशिबा को फिर से प्रधानमंत्री चुना गया? तो ये बन चुके हैं जापान के प्रधानमंत्री, दोबारा से बन चुके। कौन है? शिगेरू इशिबा। भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? IMHF। तो भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर। इसका उद्घाटन किया था किसने? उद्घाटन याद रखना, अनिल चौहान ने, जो अपने देश के दूसरे CDS है ना, अनिल चौहान ने इसका उद्घाटन किया था। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किस वैश्विक फिनटेक मंच के साथ साझेदारी में SB इनोवेशन हब का शुभारंभ किया है? भारतीय स्टेट बैंक जिसको बोलते हैं SBI, इसने किस वैश्विक फिनटेक मंच के साथ साझेदारी में SB इनोवेशन हब का शुभारंभ किया? तो किसके साथ है? APX के साथ। ऑप्शन नंबर बी, किसके साथ मिलकर है? FCA है उसके वैश्विक फिनटेक मंच के साथ साझेदारी करके SB इनोवेशन हब का शुभारंभ किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान संगीत सारंगी वादक पंडित राम नारायण का निधन कब हुआ था? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान सारंगी वादक है पंडित राम नारायण का निधन हो चुका है, इनका कब हुआ था? तो 8 नवंबर 2024 को। कब हुआ? 8 नवंबर 2024 को। तो इनका जन्म हुआ था राजस्थान के उदयपुर जिले में। हरिंदर सिंह सोढ़ी जिन्हें प्यार से बिल्ली कहा जाता था, हाल ही में उनका निधन हो चुका है, किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? बड़ा गजब का है, इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये किस खेल के हैं? पोलो खेल के खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी, किस खेल के हैं? पोलो के। हरिंदर सिंह सोढ़ी जिन्हें प्यार से बिल्ली कहा जाता था। कनाडा में पहली बार किस वायरस के कारण संभावित मानव संक्रमण का मामला सामने आया है? देखो कनाडा के अंदर पहली बार एक वायरस आ चुका है जिसके अंदर मानव संक्रमण का ये मामला सामने आया है, और उस कौन सा वायरस है? वो है H5 बर्ड फ्लू। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है? H5 बर्ड फ्लू। पंकज अडवाणी ने दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में कौन सा विश्व खिताब जीता है? पंकज अडवाणी ने दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में कौन सा विश्व खिताब जीता? अब की बार जीता है 28वां। लगातार आपसे पूछे तो लगातार इन्होंने 7वां जीता है, यानी कि लगातार 7वां जीत लिया। वैसे टोटल की बात करें तो 28वां विश्व खिताब इन्होंने जीता।
भारत ने पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया। भारत ने पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास है जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास, इसका आयोजन किया था नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया था? नई दिल्ली में। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। इनको हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इनको दिया गया FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा पुरस्कार दिया गया? FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार है दिया गया। आदित्य गुप्ता और अनिरुद्ध गुप्ता ने कौन सा प्रतिष्ठित भारतीय नौसेना क्विज जीतकर राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता है? अब ये हर साल क्या है, जो भारतीय नौसेना है वो हर साल एक अपनी तरफ से क्विज करवाती है, तो इस क्विज के अंदर जो विद्यार्थी जीतता है तो उसको राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब मिलता है। तो यहाँ पे अब की बार आदित्य गुप्ता और अनिरुद्ध गुप्ता, इन्होंने ये खिताब जीता है। तो कौन सा जीता? इन्होंने जीता थिंक सेल बियॉन्ड योर होराइजन, ऑप्शन नंबर बी। इसका नाम याद रखना, थिंक सेल बियॉन्ड योर होराइजन, ये इन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। पाकिस्तान के तेब इकराम को कितनी बार लगातार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? तो पाकिस्तान के हैं तेब इकराम, ये लगातार अब दूसरी बार, कितनी बार है? दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष है तेब इकराम। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2024 के ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2024 के एस कंटिन्यू पी ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबल असेसमेंट रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया? वो किया है सबसे सतत एल्यूमिनियम कंपनी का स्थान प्राप्त है, यह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 के बीच किन देशों का दौरा करेंगे? तो ये 16 से 21 के बीच में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तीन देशों की यात्रा की जाएगी, तो ये नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना। वो नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना, इन तीनों देशों की यात्रा की जाएगी। भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 7वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कब और कहां आयोजित की गई थी? तो भारतीय तटरक्षक बल के जो अभी 26वें महानिदेशक बने हैं वो हैं परमेश शिवमणि, याद रखना उन्हें परमेश शिवमणि। और श्रीलंका तटरक्षक के बीच में 7वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक हुई है 11 नवंबर 2024 को कोलंबो में, कहां पर हुई है? 11 नवंबर 2024 को कोलंबो के अंदर। भारत ने 2023 में बौद्धिक संपदा यानी कि आईपी सूचकांक फाइलिंग में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने 2023 के अंदर बौद्धिक संपदा फाइलिंग के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया? छठा स्थान हासिल किया इसके अंदर। कौन सा स्थान है? छठा स्थान। 55वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस को किस सम्मान से नवाजा गया था? तो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म निर्माता है फिलिप नॉय, इनको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट। कौन सा पुरस्कार है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक सिटी बस का शुभारंभ किया, यह बस किस प्रदेश में शुरू की गई? तो नाम से ही पता चल रहा है उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। एसी डबल डेकर का मतलब रोडवेज बस स्टार्ट की गई है, एसी डबल, जैसे अपनी स्लीपर वगैरह होती ना, डबल ऊपर भी सोने वाली नीचे भी सोने वाली सीटें, तो वो आती है डबल डेकर, तो इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है यूपी की सरकार। ब्रिटिश लेखक सामथा हार्वे ने 12 नवंबर 2024 को किस नोवेल के लिए बुकर प्राइज और रिंग फिक्शन जीता है? ये लगा लो भाई स्टार। तो ब्रिटिश लेखक हैं सामथा हार्वे, इन्होंने 12 नवंबर 2024 को किस नोवेल के लिए बुकर प्राइज और फिक्शन जीता? तो ये जीता है ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए जीता? ऑर्बिटल नोवेल के लिए बुकर प्राइज जीता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों में फायर सेवाओं के विस्तार और आधुनिकरण के तहत कुल कितनी राशि की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो कुल कितनी राशि परियोजनाओं को मंजूरी दी? ये दी है 725.62 करोड़। ये अलग अलग तीन राज्य हैं, एक छत्तीसगढ़ है, एक उड़ीसा है और एक पश्चिम बंगाल है। तो इन तीनों राज्यों के अंदर इन्होंने राज्यों में फायर सेवाओं को के विस्तार और आधुनिकरण के तहत टोटल 725.62 करोड़ रुपए को मंजूरी दी। उत्तर हो जाएगा सी नंबर इसका। ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार 2023 में दुनिया के टॉप 100 सिटी ब्रांड की सूची में पहला स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? तो पहला स्थान किस शहर ने प्राप्त किया? तो ये किया है लंदन ने, इसने किया है
लंदन ने इसके अंदर पहला स्थान हासिल किया है। किस ग्रैंड मास्टर ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है? किस ग्रैंड मास्टर ने 2024 का ग्रैंड मास्टर्स का खिताब जीता है? तो इसके अंदर देखो ये अलग दो श्रेणियों में था, एक है इसके अंदर मास्टर श्रेणी और एक है इसके अंदर चैलेंजर श्रेणी। कौन सी है? चैलेंजर से श्रेणी। अब देखो मास्टर श्रेणी में जीता है अरविंद चिंदबरम ने, चिंदबरम ने। और आपसे पूछे चैलेंजर श्रेणी में किसने जीता, तो पी प्रणव ने। किसने? चैलेंजर श्रेणी में पी प्रणव ने जीता। वैसे मास्टर श्रेणी में पूछा है तो इसका उत्तर बी नंबर हो जाएगा। डोमिनिका सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो वो की है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से। इससे डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से डोमिनिका सरकार ने मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 नवंबर 2024 को सिलवासा के जांडा चौक पर किस स्कूल का उद्घाटन किया है? तो 13 नवंबर 2024 को सिलवासा के जांडा चौक पर किया है स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का। कहां पर है? स्वामी विवेकानंद विद्या स्कूल मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना सी विजिल 24 के चौथे संस्करण का आयोजन कब करेगी? भारतीय नौसेना सी विजिल 24 के चौथे संस्करण का आयोजन कब करेगी? तो 20 और 21 नवंबर को। कब है? 20 और 21 नवंबर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है और कब तक चलेगा? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय, ये है 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। कौन सा है? 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। इसका उद्घाटन किया था पीयूष गोयल ने और ये प्रगति मैदान 14 से 27 नवंबर। कब से? प्रगति मैदान नई दिल्ली में 14 से लेकर 27 नवंबर तक। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया ने किसे अपना प्रमुख नियुक्त किया? ये किया अमनदीप जोहल को। ऑप्शन नंबर ए, किसको किया है? अमनदीप जोहल को नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 150वीं जयंती पर भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में किन दो चीजों का उद्घाटन किया? तो आपको पता है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाएगी, उसी के उपलक्ष्य पर 150 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया है। तो कौन सा? 150 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट। डीआरडीओ ने गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम के लिए किस प्रकार के परीक्षण पूरे किए हैं? डीआरडीओ ने गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम के लिए किस प्रकार के परीक्षण पूरे किए? तो वो है श्रृंखला उड़ान परीक्षण। कौन सा किया? श्रृंखला उड़ान परीक्षण ने किया। सेना के जयपुर स्थित दक्षिणी पश्चिमी कमान ने राजस्थान के रक्षा उद्योग की आधार को सशक्त बनाने के लिए कौन सा थिंक टैंक स्थापित किया है? तो सेना के जयपुर स्थित दक्षिणी पश्चिमी कमान ने राजस्थान के रक्षा उद्योग की आधार को सशक्त बनाने के लिए ज्ञान शक्ति थिंक टैंक स्थापित किया है। कौन सा किया है? ज्ञान शक्ति थिंक टैंक स्थापित किया। गुरु नानक जयंती गुरु पूर्व 2024 के अंदर किस गुरु की 555वीं जयंती मनाएगी? आपको सभी को पता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती की मनाई जाती है जयंती, तो की बार 555वीं जयंती मनाएगी। किसकी? गुरु नानक देव जी की। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस महिला को नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली? तो ये मिली है तुलसी गबार्ड को। किसको मिली है? तुलसी गबार्ड है उनको। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल पर नियुक्त किया है। राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? तो अपने दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है एलिस स्टीफेनिक को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया है? एलिस स्टीफेनिक को नियुक्त किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? अरविंद सिंह साहनी को। किसको? अरविंदर सिंह साहनी अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए CEO नियुक्त हो चुके हैं, नए चेयरमैन बन चुके हैं। ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जो गजब तरीके से मैंने आपको पूरा विवरण दे दिया है, पूरा डाटा मैंने दे दिया, पूरा आपको रिवाइज करवा दिया। बाकी आपको गजब तरीके से टेस्ट दी जा रही है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा रीट पात्रता परीक्षा 2024 के लिए 25 के लिए सामाजिक अध्ययन की ऑनलाइन टेस्टरी चल रही है, इसके अंदर पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता का आपको मिल चुका है। अब आपको अलग से आपको टेस्ट मिलते
रहेंगी। ये टेस्ट भी ले सकते हो, 1 साल की वैलिडिटी है, मात्र 100 रुपए के अंदर आपको ये टेस्ट है मिलते रहेंगे। ये टेस्ट भी ले लेना। इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की चल रही है, यूआरओ की टेस्ट भी चल रही है, वो भी आप ले सकते हो। शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डिटेल 1, डिटेल 2, पीटीए, सीटेट एग्जाम सभी के लिए क्लास रामबाण साबित है होगी टेस्ट सीरीज। और आज आपके लिए आ रही है पशु परिचर के लिए ओनली सिर्फ राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास, तो तैयार रहना। आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाएगी, 9 या 10 बजे तक आपको क्लास है मिल जाएगी। तो 440 वोल्ट करंट वाली क्लास आ रही है स्पेशल पशु परिचर के लिए, तैयार रहना। आपको टेलीग्राम पर इसकी सूचना मिलेगी। तो सभी साथी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।